हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं, बचपन तक अपना अक्सर शौर्य को समर्पित करते हैं, सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के पौलाद ने, शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने, खेल जगत को हिला दिया है कोहली साइना नाम ने, इतिहास बदल के दिखा दिया है अपने चाचा कलाम ने, और दस्तखत है इस मिट्टी का जब समूचे आसमान पर, ये गंदगी का धब्बा कैसा मेरे हिंदुस्तान पर। क्या बात है, वाह वाह। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं इनका। ये हमारे स्कूल शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हैं, और हर बार जब हमारा कार्यक्रम होता है कुछ न कुछ एक लिख करके लाते हैं। बहुत बहुत बधाई। इतना ज्ञान आपको कहां से मिला पहले तो ये बताइए। हम जब पढ़ते थे तो हमें तो इतना मिला नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अब आप पूरा पूरा सुनाइए। यहाँ आ जाइए सर। आपने सर, गुड मॉर्निंग। Greetings from the home base again. Thank you. And on behalf of the principal, the staff and the students of Sherwood College, it is my proud privilege to invite you as our chief guest for our 150th founders next year. Thank you. Thank you. I will. When your home turns 150 years old and Sherwood awaits her son. Thank you. Lekin main jis motive se yahan aaya hoon sir, jo aapne beeda uthaya hai pichle 4-5 varshon se, बनेगा स्वच्छ इंडिया के हवाले से मुझे बच्चों तक कुछ बात पहुंचानी है। सुन लीजिए, हर मर्ज का उपचार है बच्चे, फिर माएं क्यों सोच रही बीमार है बच्चे। कारण इसका छोटा सा है, एक भार ढोना भूल गए, खाने से पहले बेचारे हाथ धोना भूल गए। क्या अच्छा लगता है कलम हमारी ये कहने का काम करे, भारत का भविष्य निराला बिस्तर में आराम करे। आप जैसा कि कह रहे थे कि इनके हाथों में अगले 6-7 सालों में पूरा हिंदुस्तान होने वाला है, और आपकी अनुकंपा से पिछले 2 वर्षों से जो कविताएं मैं देश तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद काफी लोगों ने कहा कि कहां तो तुम वीर रस की ठीक ठाक कविता लिख लेते थे, स्वच्छता गजल और शायरी का विषय नहीं है। मैं एक वीर रस का कवि हूं, लेकिन ये विषय क्यों बहुत जरूरी हो चला है आज। यूं तो हमको कविता में वीरों की तलवार दिखानी है, सरहद पर भी सेना की हुक्कार दिखानी है, देश के हर दुश्मन को ललकार भगाना है, आतंकों का भार भी हर बार भगाना है, पर ये कविता सुना रहा हूं, मंजिल मेरी नेक है, देश के सब दुश्मनों में अस्वच्छता भी एक है। क्या बात है। और आपको अक्सर कहा जाता होगा कि आप तो बच्चे हैं, आपको बड़ों से सीखना है, कतारों में हमेशा पीछे रहना है। माफ करें, पर मुस्तकबिले वतन हैं आप, जैसा कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब ने कहा है, आप इस देश का भविष्य हैं, मुस्तकबिले वतन हैं आप, देश को बढ़ाना है, दुनिया ने जो देखा नहीं वो सब कर दिखाना है, एहसास हो इस बात का जागरूकता की क्या हाजत है, ख्याल अपना रखें आप, ये देश की हिफाजत है, और सुन लीजिए बड़े सभी, बच्चा अगर बीमार है मुल्क के भविष्य पर ये एक बड़ा प्रहार है। क्या बात, क्या बात। पर यूं समझ लीजिएगा सर कि नैनीताल से यहां तक मैं जो बात आपको बताने आया हूं, जो बंद आप तक पहुंचाने आया हूं, वो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। सदी के महानायक के सामने 71 साल के आजाद हिंदुस्तान की एक शर्मनाक तस्वीर रखता हूं, जिसे बदलने के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं। यहां मातृशक्ति उपस्थित है, मंच पर हमारी 2 माएं बैठी हुई हैं। ये वो धरती है जिसे माँ दुर्गा का वरदान है, कभी वो लक्ष्मी बाई बनी कभी रजिया सुल्तान है, नारी हर घर ग्राम की दुनिया को संदेशा है, वही है नायडू, वही कल्पना, वही तो मदर टेरेसा है, राजपूती आन बचाती कभी वो पद्मनी रानी है, राजवंश की रक्षा है तू पन्ना धाय कुर्बानी है, और सिंह सवारी करती नारी जहां असुरों के संधान में, बहु को शौचालय नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान। क्या बात है। केवल एक ही तरीका है कि हर घर तक हम शौचालय पहुंचा सकें, केवल एक रास्ता है। मेरा मानना है यहां पे हर कोई इबादत करता है, हर कोई पूजा करता है, तो भले आराम के साधन त्यागे मन ना हो क्या हुआ, 2 माह और घर के आगे वाहन ना हो क्या हुआ, आरतियां अगर याद नहीं है ये तरीका देखिए, पूजा अर्चना प्रार्थना का ये सलीका देखिए, घर की है मर्यादा बेटी इनका तो कल्याण करे, और मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करें। क्या बात है, क्या बात। ये बात थोड़ी अटपटी है सर, खास तौर से आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ये बात थोड़ी अटपटी है, पर कहने की मजबूरी है,
घर की देवी नाराज अगर हर आरती अधूरी है तो इस साल के अंत तक ये दीवार गिरानी है, एक शौचालय हर घर में यही कसम उठानी है। क्या बात, वाह। और मैं तो उस राज्य उस सूबे से आता हूँ जहाँ एक दशरथ मांझी अकेले अपने हौसले के बल पर समूचा पहाड़ तोड़ के अपने कदमों में झुका देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हिंदुस्तान के 125 करोड़ दशरथ मांझी ये संकल्प ले ले कि हम हर घर तक एक शौचालय जरूर पहुंचाएंगे तो दुनिया की किसी भी ताकत में ये क्षमता नहीं है कि भारत को इस मुकाम तक पहुंचने से रोक सके। तो अंतिम बंद इस मिशन के नाम ये जो पांचवा हमारा चल रहा है मैं पहुंचा रहा हूं, और सर मुझे पूरा यकीन है कि आप इस साल इस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। इतिहासों में जो हुआ नहीं है इस बरस इस बार हो, शिशुपाल के ग्रीव स्थल पर सुदर्शन का प्रहार हो, मान सिंह सा तना है तीना प्रताप का भाला पार हो, अस्वच्छता बनी है रावण तो राम का अवतार हो, स्वयं रहेंगे साफ हमेशा इस नारे का ऐलान करें और सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान करें। क्या बात, वाह। हमें ये क्या कहने हैं? बहुत 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 धन्यवाद सर, हमें बहुत गर्व है कि हमारे स्कूल से हैं और जितनी शिक्षा हमने स्कूल में प्राप्त की उसका तो हम थोड़ा बहुत उपयोग करते रहते हैं, लेकिन मेरा पूरा आशीर्वाद आपको, कहां से आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है पहले तो आप ये बताइए। सर हमारे जमाने में तो हमको इतना सब मिला नहीं वहां से। सर इसका अगर पूरा पूरा श्रेय मैं किसी को दूं, उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहा है श्रद्धे अमनदीप सांधु साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं हर एक बच्चे को, और वो इसलिए मोटिवेट नहीं करते कि बच्चा आगे बढ़े, ही डज नॉट वॉन्ट अस टू बी ग्रेट इंजीनियर्स और बी ग्रेट लीडर्स, ही ग्रेट इंजीनियर्स और ग्रेट डॉक्टर्स, ही जस्ट वॉन्ट अस टू बी ग्रेट लीडर्स वेर एवर वी गो। सो सर ही इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड ही हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड, ही सेंड्स हिज रिगार्ड्स टू यू एंड वी आर एक्सपेक्टिंग यू नेक्स्ट ईयर फॉर आवर फाउंडेशन। यस आई विल मेक दैट। थैंक यू सर, वन बिग हैंड फॉर दिस यंग मैन। पर आप कहीं और जितनी आपने कविता भी बोली हमको भेजिए, आज ही भेज दीजिएगा, उसको हम छाप देंगे अपने सोशल मीडिया पे। बहुत सुंदर किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।